ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के गांधी चौक पर जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और रैली निकाली। हाथों में तख्तियां लेकर जेबीटी यूनियन करे पुकार, हमें बर्बाद न करे सरकार जैसे नारे लगाकर रैली बोटा चौक से होते हुए पूरे बाजार की परिक्रमा करते हुए गांधी चौक तक निकाली गयी। रैली में जेबीटी के अध्यापकों सहित सभी प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। हमीरपुर के गांधी चौक पर जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। हाथों में तख्तियां लेकर जेबीटी यूनियन करे पुकार, हमें बर्बाद ना करे सरकार जैसे नारे लगाए ये रैली बोटा चौक से होते हुए पूरे बाजार की परिक्रमा करते हुए गांधी चौक तक निकाली गयी। रैली में जेबीटी के अध्यापकों सहित सभी प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षुओं का मानना है कि सरकार हमारे साथ बेइंसाफी कर रही है। जेबीटी की पढ़ाई उन्होंने की है और हमारी जगह पर बीएड कर चुके युवाओं को रखा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जेबीटी यूनियन के सचिव अभिषेक मोहम्मद ने कहा कि हमीरपुर के गांधी चौक पर जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि सरकार का कहना है कि जो केंद्र सरकार ने रूल बनाए हैं वैसे ही काम होगा, लेकिन इसी वजह से आज के समय में जेबीटी के हजारों से ज्यादा प्रशिक्षु बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेबीटी कर चुके युवाओं के साथ बेइंसाफी होगी। मोहम्मद का कहना है कि उन्हें जयराम सरकार पर पूरा विश्वास है कि वो उनकी मांगे सुनेंगे और उनको उनका हक दिलवाएंगे। आज सर सरकार हमारे खिलाफ, सरकार ने न्यायालय में रिप्लाई दिया है कि बीएड वालों को बोल रहे हैं कि हम इंटर करेंगे, जैसे सेंटर ने रूल बनाया है हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। ऐसा हमारे स्टेट में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगभग 20,000 बच्चा जेबीटी का आज बेरोजगार है और सरकार बोल रही है कि जो बीएड का 40,000 बच्चा बेरोजगार है हमने वो भी इंटर करना है, और बोलती है कि जो सेंटर ने रूल बनाया हमने वो भी फॉलो करना है। ऐसा हिमाचल में नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो जो जेबीटी वाले हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बेइंसाफी हो जाएगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जेबीटी वालों का उनका हक दें, हमको भीख नहीं मांग रहे, हमें अपना हक चाहिए और हमें आशा है जयराम सरकार से कि वो हमारी आवाज को सुनेगी और हमारे हक में खुद अपना रिप्लाई करेगी। एनटीटी वालों को बाहर करें, बीएड वालों को बाहर करें, ब्रिज कोर्स बंद करें। हमने जो जेबीटी कर रखी है, दो दो साल लगाकर इतना पैसा दिया है तो क्यों लिया है? वो 6 महीने ब्रिज कोर्स कराकर हमारी पोस्टों पे लगा रहे हैं, ऐसा गलत है। ये तो इंसानियत में भी गलत दिख रहा है। हमारी सरकार को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सही है। उतरेंगे हम सड़कों पर, उतरेंगे और हम सचिवालय भी पहुंचेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे। रमन पटियाल का कहना है कि 20 मार्च को जेबीटी केस की हेयरिंग है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार से उनका अनुरोध है कि 20,000 से ज्यादा जो जेबीटी कर चुके युवा बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें उनके सवालों का जवाब दें और उनके हक में फैसला सुनाएं ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट ने जेबीटी के लिए 692 सीटें पास की थी उनकी नोटिफिकेशन आज तक सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है और न ही आज तक अध्यापकों की नियुक्तियां हो पाई हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में फैसला सुनाए। ऊपर से बीएड वालों को एंटर कर रही है, 20 मार्च को हेयरिंग है जेबीटी केस की। हम हिमाचल प्रदेश सरकार से, जयराम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वहां पर हम सभी 20,000 जेबीटी ट्रेन जो यहां पर बेरोजगार हैं उनके पक्ष में जवाब दे 20 मार्च को और जेबीटी के साथ अन्याय ना करें। और दूसरी बात कि दिसंबर माह में 692 सीटें जो है पोस्टें जेबीटी की पास की है कैबिनेट में, उसकी नोटिफिकेशन आज तक नहीं आई है। 512 और हुई है पास, उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश थे कि नए सत्र से पहले अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार जो है वो नियुक्तियों में देरी कर रही है और न नोटिफिकेशन निकाल रही है और कमीशन का जो है वो बीएड का पंगा पड़ा हुआ है, ना बैच वाइज हो रही है ना ही कमीशन हो रही है। इस तरह से बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जेबीटी ट्रेन डिस्टर्ब हो रहे हैं। और अंत में सरकार से ये मैं कहता हूँ कि 20 मार्च को जो हेयरिंग है जेबीटी की, उसमें जेबीटी के पक्ष में अपना पक्ष रखे और हमारे साथ न्याय करो।
जेबीटी छात्रा अंचना का कहना है कि एक तरफ तो सरकार हमें जेबीटी की ट्रेनिंग दे रही है और दूसरी तरफ सरकार बीएड कर चुके प्रशिक्षकों को हमारी सीटें दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे हक में फैसला सुनाए और हमें न्याय दे ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए, एक तरफ तो सरकार जो है जेबीटी वालों को हमें ट्रेनिंग दे रही है और दूसरी तरफ जो है जेबीटी की जगह पे बीएड वालों को हमारी सीट दे रही है। हम ये समझ नहीं आ रहा है कि बीएड वालों को सरकार ने हमारी जगह पे क्यों रखा, उनको टेट इलिजिबल क्यों किए हैं, टेट कमीशन के इलिजिबल क्यों किया, हम क्यों नहीं। बीएड वालों को तो 6 to 10 के लिए ट्रेनिंग जाती है, हमें जो छोटे बच्चों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जेबीटी छात्रा कोमल का कहना है कि सरकार हमारा हक छीनकर किसी और को दे रही है जो कि बहुत बेइंसाफी है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारा हक हमें दे ना कि किसी और को, और सरकार हमारे साथ न्याय करे ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बीएड वाले जेबीटी में आ रहे हैं, ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि ये जो जेबीटी वालों की जगह है वो जेबीटी वालों को मिलनी चाहिए, इसकी जगह बीएड वालों को नहीं आना चाहिए। सरकार हमारे साथ ये बहुत अन्याय कर रही है, इसके लिए मेरा तो यही धरना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारी जो पोस्ट पर हमें नियुक्त किया जाए, किसी और को नहीं, क्योंकि हमारा हमें मिलना चाहिए।